Hello everyone, welcome to Learn Services. So this is 1 January 2019. तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं. हमें उम्मीद है कि आप नए साल में वह सब कुछ कर लेंगे जो आप पिछले साल में नहीं कर पाए. आप नए साल का एक रेजोल्यूशन बनाएं और नए साल में आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ये हमारी उम्मीद है आपसे. तो आइए देखते हैं, एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में कैलेंडर जारी किया, उसके बाद में उससे पता चलता है कि एमपीपीएससी 2019 के जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में होंगे. तो उसकी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी. तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसको आपको ये ध्यान रखना चाहिए प्रिपरेशन करते वक्त. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रिपरेशन करना है. एमपीपीएससी की तैयारी काफ़ी लंबा टाइम खींचता है, अप्रॉक्स 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है. पहले प्री देना होता है, फिर मेंस देना होता है, फिर इंटरव्यूज देना होता है, फिर इंटरव्यूज के रिजल्ट्स आते हैं. तो हर एक चीज़ में प्रोसेस में 1.5 साल 1.5 साल लग जाता है. तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हेल्दी रहना है, आपको फिट रहना है, आपको किसी भी डिजीज़ जो है, जो सीजनल डिजीज होती है, सीजनल जो बीमारियाँ होती हैं, उससे आपको ग्रसित नहीं होना है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको हेल्दी खाना खाइए, जिससे आपको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मिले. ठीक है, तो ईट हेल्दी फूड एंड लिव हैप्पी लाइफ. सेकेंड चीज़ है कि इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप रूटीन डेवलप करने की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ आपको मिले. तो क्या होता है, एक टाइमिंग आपको मिलेगा कि इस टाइम पे आपको ये चीज़ पढ़ना है, इस टाइम पे ये चीज़ पढ़ना है, इस टाइम पे ये करना है. तो हर एक चीज़ करने के लिए एक फिक्स टाइम बनाएं. तो वो रूटीन यदि आप फॉलो करते हो तो वैसे लोग कहेंगे ये टाइम टेबल है, बट एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल में देखा है तो इसका काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है. आपको यकीन नहीं होगा बट आप करके देखिए. आप 15-20 दिन आप एक रूटीन फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली उसमें खामियां और जो एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज है, दोनों आपको पता चलेंगे. तो आप कंपेयर करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, डेफिनेटली दैट इज़ वेरी हेल्प गुड थिंग. थर्ड थिंग है, आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करके रखें, चूँकि नेगेटिव पीपल से यदि आप सराउंड करके रखते हैं तो आपको एंजाइटी बढ़ा देते हैं वो. तो बेस्ट ये है कि आपको यदि नेचुरल ग्रोथ पानी है तो आपको अपने आप को पॉजिटिव लोगों से सराउंड करें. यदि पॉजिटिव लोग नहीं मिलते तो आप अकेले रहें बेटर है, और बट इफ़ यू कैन सराउंड अपने आप को जो पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव मेंटेलिटी रखते हैं, उनके साथ आप सराउंड करके रखें. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग करते हैं इस प्रिपरेशन के दौरान, जो कि गॉसिप, यूजलेस गॉसिप में हम इन्वॉल्व रहते हैं, स्पेशली जो पॉलिटिकल गॉसिप्स होती है उसमें हम लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दीज आर नॉट यूजफुल फॉर यू. कोई भी गवर्नमेंट आए नहीं आए, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. तो स्टे अवे फ्रॉम द यूजलेस गॉसिप्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए, ये रहा आपकी लाइफ के बारे में. आइए देखते हैं पढ़ाई के बारे में आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखना चाहिए. तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अपने प्रिपरेशन की जो तैयारी स्टार्ट करें, पहले तो आपके पास टाइम, जो आपका सिलेबस है वो आपके पास होना चाहिए. तो एक कॉपी सिलेबस की अपने पास रखें, उसको हमेशा ही अपने पास रखें. और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएँ और उसको डेफिनेटली आज से ही सॉल्व करना शुरू करें. डेली कम से कम 1 या 2 पेपर सॉल्व करें. तो उससे क्या है, एक आपको आइडिया मिल जाएगी किस तरह क्वेश्चंस आते हैं. कई बार क्या होता है कि प्रिपरेशन करते वक्त आपको ये आइडिया नहीं लगती कि आप किस तरह के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, किस तरह के एरिया में आपको स्ट्राइक मारनी है. तो कई बार आप क्या करते हैं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपीएससी का जो काफ़ी लेंदी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी करते हैं, बट एक्चुअली यहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कई बार यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले लोग एमपीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते. दैट इज बेसिक रीजन फॉर दैट. तो आप क्या करें, उसके क्वेश्चन पेपर को पहले देखें, 2-3 साल जो पिछले 8-10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप स्टडी करें, डिस्कस करें. तो वो सारा क्वेश्चन पेपर देखें. इवनली कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, और इवनली 2 या 3 क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं. बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम बहुत छोटे मार्क्स से मिस करते हैं, कई बार 2 या 3 क्वेश्चन से हम मिस करते हैं, तो वो क्वेश्चन से बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं. तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली करना है. पहला तो क्या है, आपको अपना सिलेबस लेके रखना है. दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेके रखना है. तीसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें. एनसीईआरटी पढ़ना दो चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है. पहली बात, ये प्रीलिम्स में जो एनसीईआरटी के फैक्ट्स होते हैं बिल्कुल सही फैक्ट्स होते हैं, सटीक फैक्ट्स होते हैं, उसमें किस तरह गलतियाँ, बहुत कम गलतियाँ होती हैं. तो एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स में एक तो ये हेल्प करेगी. दूसरा सबसे बड़ा हेल्प करेगी, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज होती है बहुत ही सिंपल होती है, और वो लैंग्वेज जब आप मेंस में कॉपी लिखते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है. आप अभी से अंडरलाइन करके रखते हैं तो मेंस में आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है. तो अभी से आप एनसीईआरटी पढ़ना जरूर शुरू करें. और एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी, ज्योग्राफी का एमपीपीएससी में बहुत बड़ा रोल है. ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आप 6th से 11th क्लास तक पढ़ें.
जो कि आपको काफी हेल्प करेगी। 6th 7th की एनसीईआरटी तो वाकई गजब की एनसीईआरटी है। वर्ल्ड वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है उसको काफी अच्छे से उससे डिस्कस किया है और उतने ही एनसीईआरटी मुझे लग रहा है आपके लिए सफिशियंट होगी। दूसरा एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है उसमें एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री यदि आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी थोड़ा सा लेंदी पढ़ सकती है, फिर भी यदि आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। और एंशियंट और मेडिवल इंडिया यदि आपको पढ़नी है तो आप लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं, लूसेंट भी काफ़ी अच्छा रिसोर्स है इसके लिए। मॉडर्न इंडिया की जो एनसीईआरटी है उसको आप जरूर पढ़ें, वो काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी है। यदि मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम की एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम की एनसीईआरटी भी काफ़ी अच्छी एनसीईआरटी है। और लूसेंट तो बेसक ये काफ़ी अच्छी किताब है। यदि कोई इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं तो वो तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, 11th और 12th की पार्ट 1 और पार्ट 2। वो एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है वो काफ़ी कंपाइल्ड है एनसीईआरटी, हालांकि उस पर कई सारे वीडियो भी मैंने डाले हैं अपने चैनल में तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये है एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए। दूसरा लक्ष्मीकांत की पॉलिटी आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छी किताब है। फिर भी यदि आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो आप लक्ष्मीकांत डेफिनेटली फिनिश कर सकते हैं अगले करीबन 12-13 दिन में, 12-15 दिन में, क्योंकि डेफिनेटली बड़ी किताब है, लेकिन आप यदि कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो आप फिनिश कर सकते हैं। और ये बुक से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगी। लेकिन यदि आपको पॉलिटी में, यदि आपके पास ये वीडियो शायद अभी आप ना देखें तो यदि आप बाद में देख रहे हैं तो पॉलिटी का आप यदि आप स्पेक्ट्रम से पढ़ते हैं, सॉरी लूसेंट से पढ़ते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगी। लूसेंट से जो एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछ जाते हैं, अधिकांश आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ये इलेक्शन का ईयर है तो डेफिनेटली इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसे इलेक्शन में पूछे जा सकते हैं कि राज्यपाल के जो पावर्स हैं वो क्या हैं, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या हैं, जो एज है किसी भी पार्लियामेंटेरियन मेंबर्स की अपॉइंट पार्लियामेंटेरी पार्लियामेंट में इलेक्शन लड़ने के लिए, जो संसद के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी एज क्या होती है, एमपीज के लिए, एमएलएज के लिए जो इलेक्शन लड़ने की एज क्या होती है, प्रेसिडेंट बनने की एज क्या होती है, गवर्नर बनने की एज क्या होती है, या ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये सारे क्वेश्चन इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इलेक्शन कमीशन का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन जो है आप ये लूसेंट में भी दे सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इकोनॉमी की यदि आपको पढ़ना है, इकोनॉमी की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और इकोनॉमी की एनसीईआरटी एक एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक की एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ें, और एनसीईआरटी आप वैसे लूसेंट से ही पढ़ सकते हैं, लूसेंट में भी काफ़ी कुछ इकोनॉमी दिया है। बट इन रियलिटी यदि आप देखा जाए तो इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं अधिकांश करंट अफेयर्स से रिलेट होकर आते हैं, तो आप कोशिश करें कि करंट अफेयर की इकोनॉमी अच्छे से पढ़ें। और ये है लूसेंट का जीके में, जीके का जो पोर्शन है मिसलेनियस पोर्शन वाला जो क्वेश्चन पोर्शन है इसको आप जरूर पढ़ें। इसमें सब कुछ दिया होता है, कौन से गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन है काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ये इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। पहला किसी भी चीज़ें पहला कौन सा था, जैसे मध्य प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का नहीं मतलब इंडिया का पहला महिला जो राज्यपाल हैं वो कौन है, फर्स्ट लेडी जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, ठीक है, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं मिसलेनियस पोर्शन में तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एमपीपीएससी में कंप्यूटर से क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और काफ़ी सारे पूछ जाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कंप्यूटर के लिए कोई भी छोटी सी किताब आप ले लें और उसको पढ़ लें, वहां से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये पोर्शन आप डेफिनेटली पढ़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, खासतौर से जो पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं या यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं, इस तरह की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रिविजन हैबिट आप जरूर डालें, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को आप दोबारा नहीं पढ़ सकते तो बेटर है आप पहले टाइम में ही ना पढ़ें। तो यदि आप एक ही पार्ट को, एक ही सिलेबस, एक ही सब्जेक्ट को, किसी पर्टिकुलर पोर्शन को आप कई बुक से यदि आप पढ़ते हैं तो इससे बेटर है कि आप उसी सब्जेक्ट को, उसी पोर्शन को एक बुक से कई बार पढ़ें, 4 या 5 बार पढ़ें, वो काफ़ी हेल्प करता है ग्रोथ पाने के लिए। जैसे कि आपको पता होना चाहिए माइक टॉक्सन, वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट यू नो चैम्पियन, उन्होंने एक चीज़ कहा कि आप एक ही चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें। जैसे आपको बॉक्सिंग में एक ही आपको जो पंच है उसी को बार बार प्रैक्टिस करें तो उससे क्या एडवांटेज मिलता है, आप उस चीज़ में महारथी हो जाते हैं, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा कमांड डेवलप हो जाता है। तो रिवीजन हैबिट आप डेवलप करें, यदि आपको रिवीजन हैबिट नहीं है तो आप ऐसे हैबिट डेवलप करें, जैसे सपोज करिए आपने कल जो पढ़ा है, आपने कल तो नहीं मतलब 4 या 6 दिन पहले कोई चीज़ पढ़ी है तो उसको आज आप रिवाइज करें, जस्ट प्रैक्टिस दैट थिंग, रिविजन की हैबिट आप डेवलप करें तो ये काफ़ी हेल्प करता है। और यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश जीके जो है वहाँ से क्वेश्चन मध्य प्रदेश में काफ़ी पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में, तो एमपी जीके के लिए कोई भी आप बुक ले सकते हैं, महावीर की बुक ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी किताब है। माहेश्वरी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए माहेश्वरी की बुक
ठीक ठाक रहती है। अरिहंत की बुक आप भी आप ले सकते हैं यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो। हिंदी मीडियम के लिए महावीर की बुक वाकई काफ़ी अच्छी किताब है। और याद रखें, आप ज्योग्राफी पोर्शन को स्पेशल स्ट्रेस दें। मध्य प्रदेश जो जीके है, मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के सराउंड में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, और कौन सी जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, उसके लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो पीक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जो पर्वत चोटियाँ हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली मध्य प्रदेश जीके से आप पढ़ें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि बजट से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, सेंसस से क्वेश्चन बनते हैं, सेंसस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली सेंसस 2011 से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो क्या है, मध्य प्रदेश में जो चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, तो ये कुछ तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवार्ड्स की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के जो अवार्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, जैसे तानसेन अवार्ड है, ठीक है, लता मंगेशकर अवार्ड है, तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अवार्ड्स की लिस्ट आप किसी बुक को लेके आप जो वहाँ से करंट अफेयर में अवार्ड्स डेफिनेटली आप पढ़ें, क्योंकि मध्य प्रदेश में अवार्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स की यदि बात करें तो स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्स हैं, जो स्पेशली हाल ही में कई सारे गेम्स हुए, जैसे एशियन गेम्स हुए, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो यहाँ पे जो एक्चुअली इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये प्लेयर किस गेम से एसोसिएटेड है, ठीक है, जैसे हिमा दास हैं, तो ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, तो ये चीज़ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आप भले आपको ये सब कुछ ना पता हो कौन कौन सा प्लेयर कहाँ विनर रहा, लेकिन आप ये जरूर देख लें एक कौन सा प्लेयर कौन से गेम्स से एसोसिएटेड है। तो ये जो एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें जो विनर्स की जो लिस्ट है इंडियन प्लेयर्स की, उसको आप जरूर एक बार देख लें, उसे निकलें, तो काफ़ी हेल्प करेगा आपको। स्पोर्ट्स में क्वेश्चन वहाँ से ही बहुत बनते हैं, स्पेशली जो ग्रैंड स्लैम्स हैं टेनिस के, जो चार ग्रैंड स्लैम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, या तो इंडियन कोई प्लेयर है, जैसे सपोज करो कि इंडियन जो प्लेयर हैं, जैसे पीवी सिंधु है, सी वन सो मेनी इंटरनेशनल गेम्स, तो वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मैरी कॉम ने अभी इंटरनेशनल लेवल में कुछ गेम जीते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कीम्स की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में कुछ स्कीम्स हैं जो काफ़ी पॉपुलरिटी कमाया, जैसे ने भावांतर भुगतान योजना या इस तरह की योजनाएं हैं, हालांकि नई गवर्नमेंट अब फॉर्म हो गई है, बट स्टिल तो स्कीम से शायद क्वेश्चन थोड़ी कम बने, क्योंकि नई गवर्नमेंट फॉर्म होने पर वो अपनी अलग स्कीम चलाते हैं, तो शायद स्कीम से क्वेश्चन थोड़ी कम बने, बट जो इम्पॉर्टेंट स्कीम है वो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है क्वेश्चन बनी जाए, तो क्यों अपन किसी तरह का मिस्टेक करें, ठीक है। तो ये रहे एमपी से क्वेश्चन इस तरह के बन सकते हैं। आगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पीएससी में जो पूछा जाता है वो है ये तीन एक्ट। पहला SC/ST एक्ट 1999, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये तीन एक्ट से क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस में हर साल पूछे जाते हैं। किसी साल कुछ कम पूछे जाते हैं, कभी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे लास्ट ईयर तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, अप्रॉक्स आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके पहले सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ से क्वेश्चन कितने आएंगे, बट ये तो इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं, लेकिन कई बार ज़्यादा भी आते हैं तो यदि आप कैजुअल ले लेते हैं इसको तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो मैं आपको बताऊँगा ये जो एक्ट्स हैं इसको आप अच्छे से पढ़ कर जाएँ, जिससे किसी भी तरह की मिस्टेक आपसे ना हो। तो मध्य प्रदेश पीसीएस के लिए मैं फिलहाल ये जो स्ट्रेटेजी है मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगले वीडियो में मैं जब एमपीपीएससी के लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि किस पार्ट से आपको कैसे पढ़ना है, सपोज कर कितना टाइम देना है, जैसे सपोज कर हिस्ट्री यदि आप पढ़ रहे हैं उसमें कितना टाइम देना है, ज्योग्राफी में कितना टाइम देना है, एमपी का जो पोर्शन है उसमें कितना टाइम देना है, जो एक्ट्स हैं उसको कैसे पढ़ना है। सो आई विल गिव यू एवरीथिंग अबाउट द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट दोज थिंग्स। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एमपीपीएससी की और एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में हम लास्ट ईयर मैंने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, किस किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस, तो फिर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आपको नए साल के लिए वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।